ये चीजें देखो ऊपर, ये कलाकृति लेकिन देखो सॉरी, ये क्या है कि राजा जो चंद्रसेन राजा थे उज्जैन के सबसे पहले राजा विक्रमादित्य शासन काल में उनके द्वारा ही स्थापित है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण और आपके अपने और मेरे चैनल ट्यूर इनसाइड इंडिया पर आपका एक बार फिर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं लेके आऊं जो झालरापाटन में चंद्रभागा नदी पर स्थित चंद्रभागा मंदिर है। जो ये बहुत शानदार मंदिर है, आपको मैं इस मंदिर की सारी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, ऐसे और मेरे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन रखिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, अब चलते हैं मेरे साथ में जो नदी के अंदर जो मंदिर बना हुआ है, ये 8वीं शताब्दी का है, आपको मैं वहाँ लेकर चल रहा हूँ। तो दोस्तों, चलते हैं इस चंद्रमौलेश्वर महादेव मंदिर के इतिहास की जानकारी इस शिलालेख से लेकर। हम आपको इस वीडियो में और पंडित जी से सारी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, इस सफ़र में आप हमारे साथ बने रहिए और इस शानदार वीडियो को देखिए। दोस्तों, प्राचीन मंदिर समूह झालरापाटन, इस मंदिर परिसर में लगभग 8-10 मंदिर हैं जो थोड़े थोड़े खंडित हैं, और आगे जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, यहाँ जो चंद्रभागा मंदिर है उसके बाहर यहाँ पे एक शिलालेख लिखा हुआ है। अब ये पता नहीं ये नागर लिपि में है, कौन सी लिपि में है, देखिए दोस्तों यहाँ पे एक ये लिखा हुआ है। मैं तो खैर इसको नहीं पढ़ पा रहा, ब्रजमास कुछ ऐसे पता नहीं, बस एप पंचमी वाव वाक पूरी को कुछ ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, ये देखिए दोस्तों। पर इसका मुझे कोई अनुभव नहीं है कि ये कौन सी लिपि में है और कैसा ये मंदिर का। आप जो आगे से जो देख रहे हो रूप, मैं आपको आगे इस मंदिर की सारी कहानी जल्द ही पुजारी से लेकर बताने वाला हूँ। बहुत ही शानदार ऐतिहासिक ज़बरदस्त ये मंदिर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब जो चंद्रमौलेश्वर जो मंदिर है उसकी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो में पूरा बने रहिए और यहाँ पुजारी जी की भी इसमें इंटरव्यू लेकर हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, ये जो एएसआई द्वारा यहाँ शिलालेख लगे हुए हैं, इसमें सारी जानकारी नहीं मिलेगी आपको, बट पंडित जी से हम आपको पूरी जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, ये काफ़ी सारे शानदार शानदार आपको पिलर यहाँ देखने मिलेंगे, कितनी ज़बरदस्त नक्काकारी, और ये शिवलिंग वो उसी टाइम के हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमौलेश्वर मंदिर का निर्माण इस नगरी के जो धनिक देव के भाई बोपक नाम के एक आदमी थे, उन्होंने 746 विक्रम संवत में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि इस मंदिर की जो तिथि है वो ऐसा कोई भी मंदिर नहीं है जिसकी तिथि और है, इस आधार पर यह सबसे पौराणिक मंदिर कहा जाता है। ये 34 खंभे हैं दोस्तों इस मंदिर में, जिन पर नक्काकारी की गई है, शानदार ज़बरदस्त तरीके से इन खंभों पर नक्काकारी की गई है। आज के ज़माने में मशीनों से भी ऐसी नक्काकारी आपको देखने को नहीं मिलेगी। या नंदी और एक शिवलिंग और है, यह नंदी भगवान है, इनको भी मुगलों ने खंडित किया था, और इस मंदिर के जो गर्भगृह के अलावा बाकी सभी मूर्तियाँ और मंदिर खंडित हैं। ये देखिए दोस्तों, सामने आप पार्वती माता और चंद्रमौलेश्वर महादेव जी के मंदिर को आप देख रहे हैं। हम ये देखिए दोस्तों, बाहर भी काफ़ी सारी मूर्तियां हैं, और ऐसी नक्काकारी दोस्तों आप देखोगे तो चकित रह जाओगे, इतनी ज़बरदस्त। और 7वीं सदी में आपको ऐसी नक्काकारी जो इंसान करते थे वो कितने ज़बरदस्त और शानदार कलाकार रहे होंगे। ये चंद्रमौलेश्वर महादेव और सामने पार्वती माता, उधर भी दो चार मूर्तियां और लगी हुई। दोस्तों, मैं आगे आपको इस मंदिर में पूरे परिसर में अंदर ले कर सारी जानकारी देने वाला हूं। तो अब मैं आपको जो ये यहां जो पिलर है इन पे देखिए दोस्तों, सामने से एक महादेव मंदिर और है, वहाँ जो शिलालेख पहले थी वो सामने, दूसरा महादेव आपने देखा, वो महादेव मंदिर आपने देखा, और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त नक्काकारी के साथ में इस मंदिर को बनाया गया था।
और जिन कारीगरों ने इस मंदिर को बनाया गया होगा वो कितने ज़बरदस्त रहे होंगे, कितनी शानदार कारीगरी उनको आती होगी। और ये जो लाल पत्थर है ये एक प्रकार से बहुत ही आला दर्जे का ये मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ ज़बरदस्त ज़बरदस्त मूर्तियाँ इन पिलरों पे आपको देखने को मिल जाएंगी। 34 पिलरों से मिलकर ये एक मंदिर बनाया। इसमें देखिए दोस्तों, ये जो चंद्रभागा नदी के किनारे चंद्रभागा के नाम से जो मंदिर है आपको मैं सीधा अंदर लाया हूँ। और ये वो शिवलिंग है, बहुत ही पुराना शिवलिंग है, आप इसको देख रहे होंगे। ये देखिए, बगल में से थोड़ा गड्ढा भी है। और ये पार्वती जी का मंदिर है और ये काफ़ी आपको ये दिखाई दे रहा है, काफ़ी पुराना मंदिर है। और यहाँ पे एक ताला लगा हुआ कुछ है, ये देखिए। और यहाँ गणपति बप्पा मौर्य की दो तस्वीरें मूर्तियाँ हैं और एक हनुमान जी जैसी मूर्ति है। और एक ये शायद माँ दुर्गा या काली की मूर्ति है। हम जो पुजारी जी हैं उनसे इस मंदिर के बारे में सारी जानकारी लेने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, ये शिवलिंग बहुत ही पुराना, ऐसे बताया जाता है कि 7वीं 8वीं शताब्दी का ये मंदिर बताया जाता है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही आला दर्जे का शानदार ये मंदिर है। ये जो मेरे साथ आए तीन मेरे दोस्त जिन्होंने झालावाड़ में और यहाँ के पूरे जितने भी वीडियो हैं उसमें मेरा बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, आपसे मैं मिला देता हूँ। ये जो बैठे हैं ये है धर्म सिंह जी और ये है राजपाल जी और ये संत, इनको संतराम जी कहते हैं, वैसे मैं इनको संत जी कहता हूँ, वैसे ये संतराम जी है। और ये जो चंद्रभागा नदी के किनारे जो शिवलिंग है ये देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार और आला दर्जे का ये मंदिर आपको शानदार देखने को मिलेगा। हाँ दोस्तों, जो चंद्रभागा जो मंदिर है इस नदी के किनारे, ये काफ़ी पुराना मंदिर है और जो पुजारी जी यहाँ पूजा करते हैं इनसे इस मंदिर की हम जानकारी ले रहे हैं और इनसे हम कुछ पूछते हैं तो ये पुजारी जी में बता पाए। नमस्कार जी। नमस्कार भाई, क्या नाम है जरा आपका? मेरा नाम परमेश्वर पुरी है सर। तो सर मुझे ये बताओ कि जो ये मंदिर है जी, इसको चंद्रभागा का मंदिर क्यों कहते हैं? ये क्या है कि राजा जी चंद्रसेन राजा थे, उज्जैन के सबसे पहले राजा, विक्रमादित्य शासन काल में उनके द्वारा ही स्थापित है। उनके द्वारा स्थापित है इसलिए इसे चंद्रमौलेश्वर महादेव कहते हैं। और जो चंद्रभागा नदी है वो भी उन्हीं के द्वारा है इसलिए उसे चंद्रभागा नदी कहते हैं। अच्छा, और यहाँ पे ये जो काफी सारी मूर्तियाँ हैं, हाँ जी, शंकर जी और पार्वती जी की जो मूर्ति है, और इसके अलावा जो इस मंदिर में किसी प्रकार की कोई खंडित मूर्ति नहीं है, इस मंदिर में तो नहीं है, नहीं है, बाकी और बाहर की मंदिर में है, जैसे नवदुर्गा देवी जी का मंदिर है उसके अंदर खंडित मूर्ति है। और ये जो यहाँ दो गणेश जी की मूर्ति, दो गणपति जी हैं, एक बजरंगबली है, ये वराह की मूर्ति है। अच्छा, वराह अवतार। हाँ जी जी जी, तो मैं आपको बता रहा था कि ये शायद दुर्गा माता की मूर्ति है, नहीं ये वराह अवतार की मूर्ति है ये बता रहे हैं हमें। और ये अब भारत सरकार के अंतर्गत है, एएसआई के अंदर? हाँ, एएसआई के अंदर, सेंट्रल आर्कियोलॉजी पुरातत्व विभाग के अंदर है जी। तो ये मंदिर कितना पुराना है? 7वीं शताब्दी का, संवत 746, 1350 में पुराना है। राजस्थान का पहला पौराणिक मंदिर है ये। राजस्थान का पहला पौराणिक मंदिर जी, सबसे पुराना मतलब यही मंदिर ये है चंद्रभागा। तो आप यहाँ कब से पूजा कर रहे हो? मेरी क्या पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा है, मेरी छठी पीढ़ी पूजा कर रही है। आपकी छठी जी? और हम लोगों ने इसे 1897 से संभाला था। 1897। तो दोस्तों ये भी काफ़ी प्राचीन समय से, 1897 से या 1897 से इस मंदिर की इनकी पीढ़ियाँ पूजा कर रही थी और आज तक ये पूजा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जी। तो इन्होंने जो जानकारी दी बहुत यूजफुल और शानदार जानकारी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और तो दोस्तों अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ चंद्रभागा हिंदू स्नान घाट की तरफ। दोस्तों आप सामने देख रहे होंगे ये चंद्रभागा हिंदू स्नान घाट है और ये चंद्रभागा नदी पर स्थित है। चंद्रभागा नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है इसलिए इसको गंगा भी कहा जाता है। और यहाँ एक
जो शिव मंदिर है ये सामने आप और भी मंदिर देख रहे हैं, बट इस चंद्रभागा नदी के घाट पर एक शिव मंदिर है वो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ, जिस पे लगभग 1000 शिवलिंग बने हुए हैं। और ये देखिए दोस्तों, इसको जिस ये जो मंदिर है पास में, ये वो शिवलिंग है जिस पर लगभग 1000 शिवलिंग बने हुए हैं, इसलिए इसको सहस्त्र लिंगेश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाता है। दोस्तों इस सामने जो सरकार द्वारा बनाया गया नया घाट है, और ये जो पुराना घाट था वो है। दोस्तों ये देखिए, ये पत्थर लगे हुए हैं, ये काफ़ी पुराना घाट है, और कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है, और इस पवित्र नदी में महिलाएं और पुरुष स्नान करते हैं और अपने आप को बहुत पवित्र करके यहाँ से जाते हैं। एक महीने तक यहाँ मेला लगता है। दोस्तों इस घाट पर हमेशा भीड़ बनी रहती है कार्तिक मास में। और ये अब आपको मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ जो दूसरे मंदिर है वो, इस मंदिर में भी बाहर से कुंडी लगी हुई है बट ये मंदिर भी खंडित है अंदर से मूर्तियाँ। और ये देखिए दोस्तों कितनी ज़बरदस्त शानदार ये मूर्ति आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ आप आओगे तो आप पाओगे कि यहाँ कितना पुराना और नक्काकारी के द्वारा एक बहुत शानदार अद्भुत नमूना आपको देखने को मिलेगा। ऑटोमेटिक ये पत्थर खिंचता हुआ जा रहा है, डैमेज होता जा रहा है। दोस्तों ये नागर शैली में बना हुआ लगभग 1350 साल पुराना ये मंदिर है, और इस वट वृक्ष के साइड में ये मंदिर बना हुआ है। ये वो वट वृक्ष है जो लगभग 1400-1500 साल पुराना ये वट वृक्ष कहा जाता है। सामने ये मंदिर है, वहाँ मैं आपको लेके चलने वाला हूँ। दोस्तों इस मंदिर को मुगलों ने काफ़ी जगह से तोड़ा और काफ़ी बार तोड़ा, ऐसा कहा जाता है कि इसमें इतनी सारी मूर्तियाँ थी जो बहुत प्राचीन। ये देखिए दोस्तों मंदिर की क्या दुर्दशा हो रही है, और इसको कई बार तोड़ा गया, इसका जीर्णोद्धार भी हुआ है जो झालावाड़ के राजाओं ने करवाया है, लेकिन जो इसकी पुरानी और जो प्राचीन इसकी स्थिति है वो आपको देखने लायक बनती है दोस्तों। और आपको मैं अब जो इसमें और बाकी जो मंदिर है वहाँ लेकर चलने वाला हूँ। एक मंदिर यह है जिसको ऊपर से खंडित कर दिया गया है, और इसकी मूर्तियाँ भी लगभग खंडित है। बरसात के मौसम में मैं आपको यहाँ इस मंदिर में दिखाने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों कितनी ज़बरदस्त नक्काकारी, ऐसी नक्काकारी दोस्तों आज आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। और ये एक पत्थर पर बनाई गई मूर्तियाँ हैं, सामने आप ये मंदिर के अंदर भी ऐसी नक्काकारी वाली मूर्तियाँ देख रहे हैं, और पास में एक शिव मंदिर ये और बना हुआ है, सामने वो आपको दिखाई दे रहा होगा नवदुर्गा मंदिर है, वहाँ भी मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ। ये नवदुर्गा मंदिर है दोस्तों, और इसके वो सामने आपको नवलखा किला भी दिखाई दे रहा है, उसका वीडियो भी जल्द ही चैनल पे आने वाला है। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। दोस्तों ये नक्काकारी देखिए, इतनी ज़बरदस्त शानदार नक्काकारी आपको ये अद्भुत और रोमांचित करने वाली नक्काकारी देखने को मिलेगी। ये जो शिव मंदिर है, और यहाँ लगभग 5 शिव मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ, जो नवदुर्गा मंदिर है वो पूरी तरह खंडित है, और उसमें काफ़ी सारी मूर्तियाँ रखकर ASI ने उसको लॉक कर रखा है, और उसको अंदर जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि उसमें काफ़ी सारी खंडित मूर्तियाँ हैं, और उस मंदिर को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया था। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर साधना का एक बहुत ही ज़बरदस्त और शक्ति पूजा का, मालवा का और राजस्थान का ये बहुत बड़ी शक्तिपीठ थी। दोस्तों ये 8वीं शताब्दी में यहाँ शिव मंदिर, विष्णु मंदिर
और गणेश मंदिर यहाँ देखने को मिलेंगे। 8वीं शताब्दी के हैं और ये नागर शैली में बने हुए बहुत सारे ज़बरदस्त ज़बरदस्त आपको मंदिर यहाँ इस चंद्रभागा परिसर में देखने को मिल जाएंगे। ये सामने आप देख रहे हो, ये गणपति बप्पा मौर्या का मंदिर बना हुआ है और ये गणेश जी महाराज का एक शानदार अद्भुत मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इसमें गणेश जी महाराज के इस मंदिर में भी खंभों पर नक्काकारी और जो गणेश जी की मूर्ति है वो भी कितनी ज़बरदस्त तरीके से बनाई गई है। ये पीछे से भी आपको इस मूर्ति को मैं दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, मेरे चैनल के माध्यम से मैंने आपको इस चंद्रभागा मंदिर परिसर का और चंद्रभागा नदी का इनका ये वीडियो आपको दिखाया है और इतिहास बताया है। दोस्तों, ये चंद्रभागा मंदिर के जस्ट सामने एक फुहारा बना हुआ है, ये काफ़ी पुरानी बावड़ी थी और इसको आर्कियोलॉजिस्ट इंडिया ने एएसआई ने इसको फुहारे में परिवर्तित कर दिया। ये काफ़ी गहरी है और इसमें एक मंदिर भी बना हुआ है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो का मजा लो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी शानदार और ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।